अब हैंडल भी टकरा है, ये भी टूट गया है। हाइड्रोलिक वायर नहीं था, देखो बगल में था, अगर ये जाता ना तो यहाँ से टूट जाता। 35 आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपके एक और नई वीडियो में। तो पहुंच चुके हैं डायट गाइस शोरूम, शोरूम से हो रही है अपने ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पे ये चेक करो गाइस, अपनी मॉन्टर 26 का जो हैंडल था ना, मैंने दे दिया था समीर को, क्योंकि इसका साइकिल हैंडल टेढ़ा हो चुका था, कमजोर भी था थोड़ा, तो हैंडल चेंज कराइए। देखो क्या छपरी बना के लाया, ब्राजीलियन हैंडल जेब्रा क्रॉसिंग लग रहा है। आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वेट करने वाले हैं, मतलब वजन नापने वाले हैं अपने साइकिल का, भाई किसका साइकिल कितना वेटेड है। गाइस हम लोग को भी ये चीज था मन में कि भाई अपना साइकिल कितना वेटेड है। ऐसे बहुत सारे लोग अपना साइकिल हल्का करके रखा है, मेरे को उम्मीद है कि सुजल का साइकिल थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा सा इसका साइकिल हल्का होगा। तो आज से वाइपर नहीं लाए, मॉनिटर चेक होगा अपना, ब्लू वाला फीडबैक चेक होगा, ये वाला फीडबैक चेक होगा। मजा आने वाला आज के इस ब्लॉग में। फिलहाल आज की राइड होने वाले सेंट्रम के साइड, क्योंकि आज लाइट लाइट है, लाइट लाइट में उधर पहुंचना चाह रहे हैं, मजा फुल आने वाला है। फिलहाल हैंडल लग जाए इसका, दिखा दे, हैंडल टेढ़ा भी हो गया है, ये हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा है, इस साइड झुका हुआ, इस साइड झुका हुआ, एक बार क्रैश हुआ था हम लोग उसके बाद। अभी सुजल मार दे इस पे व्हीली, सुजल दे उस पे व्हीली मार दिया था, देखो मान जाएंगे हम उस पे, बस दो ही इंसान व्हीली मार सकता है, तो फ्यूज है तो हम उसके अलावा कोई व्हीली नहीं मार सकता इस साइकिल में। आज डेविल भाई बहुत दिनों बाद आए हैं राइड करने के लिए, बाल वाल कटवा लिए, बाल कटवा लिए, पूजा आया था, थोड़ा लुक चेंज, ऐसे लुक चेंज करते रहते हैं मैं सही अपना। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, अबे इतना लंबा लंबा उसमें व्हीली चलता है, मैनुअल चलता है, 90 डिग्री चलता है, सब चलता है, इसको टूटने का डर लग रहा है। बहुत दिनों बाद ये फीडबैक चलेंगे अपना, फीडबैक अपने चला ही नहीं रहे बहुत दिन से, हट जाओ दूर हो जाओ दूर हो जाओ, चलो दूर हो जाओ, साइकिल में कुछ चलाने नहीं आता है, चढ़ा देंगे फिर। भाई साइकिल देखो डेविल भाई का, भाई बोला भाई पानी निकालो, पानी नहीं है साइकिल में, भाई देखो दोनों बोतल रखा हुआ पीछे, हमसे दूर से देखा उन्होंने एग्जॉस्ट लगा हुआ लग रहा दोनों, पूरा मस्त ठंडा चिल्ड पानी लेके घूम रहा है, चिल्ड रहता है इसमें, 8-9 घंटे तक पानी वैसे रहेगा। तो गाइस अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल में जो काम होना तो हो गया है, ये हम आपको दिखाएंगे राइड से आने के बाद कि क्या हुआ है इसमें, आज को घर भी लेके जाने वाले हम लोग। तो गाइस दिन में तो आप ये हैंडल नहीं दिख रहे, भाई दिन में देख लो कैसा लग रहा है अपना मॉनिटर पे। बहुत सारे लोग हम का जो लोग वाइपर लिखे थे वो लोग डिसअपॉइंट हो गए थोड़ा सा कि वाइपर में नहीं डाल हैंडल, भाई मॉनिटर में सच बताओ तो वाइपर से मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वाइपर में ठीक है भाई, वही हैंडल मेरे को ठीक लग रहा है। आज अपनी गैंग बहुत बड़ी हो गई भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग थैंक यू सर, फुटबॉल छोड़ करके आ गया मेरे पास, सब उधर लोग मिल ले लिया अभी आ गया, आ गया चलो सुजल से बोलो, बाकी लोग मिल लो लोग से भी। भाई वो चलो हल्ला कर रहे, ये चक्कर का गाइस व्हीली, ब्लॉक की पहली व्हीली है शायद ये वाली, भाई व्हीली सच में इतना मजा आता है ना कि क्या है बता, व्हीली मारने में भैया दो फैट बाइक, उसमें नाइट्रोजन डलवाना है, फैट बाइक मतलब वो मोटर टायर वाला साइकिल देख रहे हैं डाल देना, कहीं मेरे दोस्त को डलवाया है, थोड़ा सा भारी पड़ता है, भाई सब्सक्राइबर्स के पापा लोग का शिकायत रहता है कि मेरा बेटा आपका दिन रात वीडियो देखता है और पढ़ाई कम करता है, वीडियो ज़्यादा देखता है, ये चीज़ नहीं करता है, बोलता रहो 10 मिनट का वीडियो आता है, बाकी 10 मिनट एंजॉय करो, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ, बाकी टाइम पढ़ाई करो आप, ठीक ना, ब्लॉग में आ गए हो, व्हीली मार के दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए चलो जी, कैसा आवाज कर रहा है सड़ा। अरे बाबा भाई रॉन्ग साइड में अचानक आ गया ये, क्या नाम है इसका, क्या डोडो देखा, डोडो बोले तो देखा
मैनुअल चैलेंज था ना। सुजल का हम बोले ना पैडल से उठा जाता क्या हुआ है, वो साइकिल तो इतना स्पीड कर लिया और इतना स्पीड हम साइकिल कर लिया, पैडल से तो उठेगा नहीं उतना स्पीड में बिल्ली। अबे कहाँ एक यहाँ से उठाना था। भाई खत्म हो गया फैट बाइक के, ये बच गया मतलब ठीक टाइम पे देख ज्यादा कौन सा घिसा है ये ला देखें। अरे भाई ये तो पूरा लोहा निकल गया बाहर, बच गया पूरा खत्म हो गया। स्टैंड पॉइंट जो जा ही रहे थे लेकिन इतने में इसका साइकिल खराब हो गया, यहीं पे हम लोग रुक गए। यहाँ पर लाइट वाइट भी है और यहाँ पे भाई लेके आया मशीन चेक करने का खिलौना है छोटा सा। तो भाई सही बताएगा तो इसको देख कर नहीं लग रहा कि सही बताएगा। आज देखना सबसे ज्यादा हल्का साइकिल किसका है, ये अपना साइकिल का स्टैंड स्टैंड सब कुछ खोल के रखा है लेकिन अगर इसका साइकिल भारी हो गया तो इसको हम भारी कर देंगे। झूठ मुड़ के स्टैंड खोल के रखा हुआ है सबका साइकिल पे, कभी इसका साइकिल पे सुलाएगा कभी मेरे साइकिल पे सुलाएगा। बैग भी लगा हुआ है, बैग के साथ वजन होगा। इसको कहीं टांगना होगा पहले, नहीं होता ऐसे नहीं होता हम बता रहे रुक। अरे उसको टांगना पहले कहीं, तो भाई टांगने का कोई जगह चाहिए मतलब बढ़िया से टांग सकेंगे ना उसके बाद साइकिल वजन होगा। हाथ मिलेगा समीर के हाथ ही फंस गया, तो कहीं जगह चाहिए पोल वोल कहीं पे जहाँ पे कुछ टांगने का हो, लाइट भी हो वहाँ पे क्योंकि अंधेरा तो हो चुका है, शाम हो गया अच्छा खासा। थोड़ा और सुता के तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने जुगाड़ बैठा दिया है भाई, मतलब लॉक के सारे टांग दिए इसको क्योंकि इसी को टांगने में मुश्किल था। यहाँ पे देखो अभी 0-0 है और थोड़ा देर में लाइट वाइट सब जलता है, लाइट वाइट सब जलता है, तो रेड वाला फेड बाइक को टांगा जा रहा है सबसे पहले, देखते इसका वेट कितना है। भाई साहब उधर का देख रहे हो, वेट अभी नीचे है, वेट अभी नीचे है, बॉटल होल्डर पे लोग टांग रहे बताओ। मैं छोड़ दिए ना एक दिन का बात है, छोड़ दिए भाई 22 किलो मैं 22 किलो सोचिए भाई, वही तो लॉक हो गया है। 22.84 यहाँ पे आया है रेड वाला फैट बाइक भाई, लगभग 23 kg की साइकिल है, इस पर व्हीली भी होती है, रोलिंग तो इस पर नहीं मारते हैं, व्हीली इस पर अच्छी होती है भाई, 23 kg की साइकिल है। अब मेरे को MTB के लिए भी एक्साइटेड है और अभी ब्लू वाला फैट बाइक जा रही है, इसको टांगने का उपाय देखना पड़ेगा इसको कहाँ टांगा जाए ऐसे ना कि अरे चालू करिए ना जनरेटर बंद चीटिंग कर रहे जल्दी जनरेटर चालू करिए, हटिए थोड़ा ऑडियंस लोगों देखने दीजिए। भैया खिलौना बिगड़ गया ये कैसा खिलौना लेके आए, तो और भारी है ये तो और भारी है, एलॉय फ्रेम हो करके भी भारी है। 84 ये 82 है, 82 है और कैसा था सीधा साइकिल का लोड स्लिप करके इसको ले लिया वेट, हाइड्रोलिक वायर नहीं था देखो बगल में था, अगर ये जाता ना तो यहाँ से टूट जाता। बच गया अभी प्रॉपर शिफ्ट नहीं होगा। अब आ रही है भाई MTB के और कर रहे भाई मोन्ट्रा, देखना है भाई सुजल का साइकिल का, मेरे को उम्मीद है कि कम होगा इसका वेट, वो खुद लॉक हो जाएगा, खुद लॉक हो जाएगा, स्टेबल मिलेगा लॉक हो जाएगा। मोन्ट्रा चढ़ा हुआ मोन्ट्रा 16 kg का है भाई अपनी मोन्ट्रा। आप सुजल का आ जाओ, आप लोग हमको पता है कि मोन्ट्रा और इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो गया आप लोग, लेकिन जीतेगा वही समीर पूरा जीतेगा मेरा साइकिल, स्टेबल वेट मिलेगा वो लॉक हो जाएगा वही 1680 मतलब 650 समझिए ना, 1650 कंफ्यूज हो रहा था साइकिल नीचे रखा भाई क्या, नहीं 1650 समझ लॉक हो गया। 16 kg 600 मेरा कितना था मोन्टा का 17 वो पूरे 16 जा रहा था, हां पूरा 16 इसका 1650 हल्का है रे। अब किंग आ गया भाई, आधा किलो भारी मेरा मॉन्टर था, किंग आ गया किंग, हमको मॉन्टर 27 में उम्मीद है कि थोड़ा हल्का होगा, भारी है इसका हैंडल भारी लगा दिया अभी, हां अरे फेड बाइक गिरा दिया, क्या करे बाबू तुम गिराया है बाबू, इज्जत रख लेना बाबू, पापा का इज्जत रख लो। 14.66 हमको पता था ये मॉन्टर 27 ही जीतेगा क्योंकि ये साइकिल में हल्का फील होता है, स्टेनार नियर चला रहे तो नहीं हल्का रहेगा भाई, उल्टा वजन करने के बाद ना 1 किलो कम हो रहा है साइकिल, सबका साइकिल में 1 किलो कम हो रहा था, फिर तो सुजल का साइकिल उल्टा हम लोग टांग रहे हैं। 16 हुआ
16 ही था, इतना 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 ही था। अरे मेरा सुजल का साइकिल मतलब देखने कल का सबसे भारी साइकिल इसी का है। चलना भाई चलना है, हम खड़ी है चलो। कौन सा धुन में देखो यही टांगा हुआ है। अमर वेट मशीन नहीं लेगा हमको याद है, ये लोग को याद नहीं है, लेकिन अब यही छोड़ कर वो चल जाते। हम बोले ना लोग कुछ ना कुछ मेरा लॉक का नुकसान हुआ होगा, देखो पूरा ही निकल गया। बोले कुछ ना कुछ नुकसान होगा, देख गया। वाह भाई वाह, स्कूटी रेस लगा हुआ है। अरे भाई साहब स्कूटी राइडर ने टूटा है स्कूटी का, कुछ ना कुछ तो टूटा है। अब हैंडल भी टकरा है, ये भी टूट गया है, अब हैंडल भी टकरा है, सीधा हैंडल टूट लिया है। हैंडल पे हम दे मैं मेरे सामने हुआ लगा, फ्रेम में लगा, हैंडल पे लगा, हैंडल पे लगा है। अरे हैंडल पे लगा है, बोल तो रहे यहां उड़ गया कलर यहां का। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा मॉडिफाई हुआ था, मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई सबका नजर उतरा है वो। चला जाए गाइस, बहुत बुरा लग रहा है यार, हैंड नए हैंडल में कल ही लगा है और आज ये सब हो गया। साइकिल पता नहीं अपने आप कैसे गिर गया, स्क्रैच आ गया। हम भी सोच रहे थे साइकिल का हैंडल पर चोट लगा था, कैसा स्क्रैच आएगा भाई, आज देखने को मिलेगा ऐसा स्क्रैच आएगा। शोरूम जल्दी पहुंचना होगा, ठीक है टाइम ओवर हो रहा है। हेवी वाला 90 डिग्री ले लो, हेवी वाला। ए ए ए सेल्फी लेना था। अच्छा आपका बेटा दिखता है क्या? अच्छा अच्छा एक सेल्फी लेके हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सअप देंगे, मेरा नंबर लीक हो जाएगा। बात ये है आपका बेटा ना नंबर मेरा इधर उधर कर देगा, इसलिए नंबर हम किसी को नहीं देते अपना, हम क्या करके डिलीट कर देंगे तब। ठीक है ठीक है चलिए, अच्छा लगा मुझे आपसे। ठीक है बाइक से स्पीड तो मेरी साइकिल ढल रही है, तो ब्रेक मारना पड़ता तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम और यहाँ पे वेट हो रहा है भाई मेरे इलेक्ट्रिक साइकिल को लेके भी जाना है और देखते हैं भाई अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल कितना भारी है। देखो दो दो बंदा लग रहा है, दोनों का हाथ देखो हिल रहा है। मेरा कहाँ है अमर भाई का भाई, ये हो रहा है काहे था थरा रहा है आपका 23 केजी भाई, ज़्यादा नहीं है फिर उस हिसाब से फैट बाइक के हिसाब से। फैट बाइक 22 है, 23 बैटरी भाई, फैट बाइक अपना 22 और ये 23 मतलब ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। बैटरी हो के भी ज़्यादा भारी नहीं हो सकता, लेकिन इसका फ्रेम अलॉय है, अलॉय फ्रेम है, अलॉय फ्रेम है, दिख रहा है अलॉय। हाँ तो हम लग रहा था ना छोड़े, चल ना 15 अरे बाबू नहीं सुनीस बार उतने पर रहेगा तुम डन, तो मत रिकॉर्ड तोड़ो टाल ले आगे। दर्द हो गया, उंगली दर्द हो गया, हम करते हैं भाई। चार बार ट्राई कर लिया इसलिए मेरा हुआ नहीं भाई, एक बार ट्राई किया लॉक हो गया, दो बार ट्राई किया लॉक हो गया, तीसरे बार ट्राई किया तो भाई हाथ ही दर्द करने लगा मेरा। अब अमर करेगा, देखते हैं कितना होगा भाई। हाथ लाल हो गया, वो जो पतला है ना इस वजह से लग रहा है। अरे बात 35 ग्राम, अरे दांत उतना कीजिए 35 ग्राम हुआ है कितना बता कुछ 35 ग्राम दांत 35 ग्राम पे लॉक हो गया, हम करते थे हैंग मार देते हैं दांत किस का की है। मुंह ढाक के झूम के एक रे मार भी पहने में लगा दोनों फोन पे इलेक्ट्रिक साइकिल में वीडियो देखना गाइस। ये इलेक्ट्रिक साइकिल होगी, रखना आराम से अगल बगल जो बैठा डर गया भाई देख के।
23 केजी का होगा, 23 का ना समीर ये वाला, 23 केजी का है भाई साइकिल है, फैट बैक 22, तो 1 केजी का ही फ़र्क है। लेकिन फ़र्क पड़ने का रीज़न ये है इसका वेट कम, उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक साइकिल के हिसाब से वेट कम है। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घर, बहुत ही मजा है आज का राइड करके। पीछे ये चेक करो गाइज अपने वुल्फ, और अपने वुल्फ पे तो वेट नहीं चेक किया आज क्योंकि ये साइकिल लेके नहीं गए थे, लेकिन इसका भी वेट मेरे ख्याल से 16-17 केजी हो गई, क्योंकि अपने साइकिल का मॉन्ट्रा का आया था 15 केजी, सुजल का आया था 16 केजी, तो 16-17 ये भी होगा क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है ना काफ़ी भारी है, इस वजह से इसका वेट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये साइकिल को बहुत हल्का किया जा सकता है, बहुत सारा पार्ट्स लगाने के बाद ये साइकिल बहुत ज़्यादा हल्की हो सकती है। फिलहाल अभी सस्पेंशन लगाने की बारी अपनी मॉन्ट्रा में, मॉन्ट्रा में हो सकता है हम लोग सस्पेंशन चेंज करेंगे कुछ दिनों बाद। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आज के इस व्लॉग में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय। Yeah.